हे स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिल्डअप लर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, कैसे किसी दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट कर सकते हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो सिंपली आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, कैसे किसी दो मैट्रिसेस का को प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली इसका रूल होता है, तो लिखते हैं सिंपली द प्रोडक्ट ए इंटू बी, मतलब दो मैट्रिक्स ए है एक बी मैट्रिक्स है, ऑफ टू मैट्रिसेज ए एंड बी इज एग्जिस्ट ओनली व्हेन नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। मतलब किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी कर सकते हैं जब ए का जो कॉलम है सो बी के रो के इक्वल हो। मतलब उसको ऑर्डर को देख करके, उसमें जैसे ए का कॉलम हम देखेंगे और बी का रो देखेंगे और ये दोनों सेम है, तभी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में था तो सिंपली आप लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सम कर देते थे या सब्ट्रैक्ट कर देते थे, पर लेकिन प्रोडक्ट में थोड़ा सा अलग है क्योंकि इस चैप्टर में यही एक एक्सरसाइज है जो थोड़ा सा है, लेंदी है, पर लेकिन ये भी हो जाएगा। सिंपली आपको बस ये ध्यान में रखना रहेगा कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल आना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी, तभी है सो ए भी एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मैं बता देता हूँ एलिमेंटल टाइप का फॉर्म, जैसे ये ए आई जे है, ये जानते हैं नंबर ऑफ रो होता है, ये नंबर ऑफ कॉलम होता है, एम बाई एन का कोई ऑर्डर है और कोई बी है मैट्रिक्स इसका बी जे के है, इसका एन बाई पी का कोई ऑर्डर है, तो देन क्लियरली ए बी एग्जिस्ट। अब ये क्यों एग्जिस्ट करेगा, देख सकते हैं कि आप इसमें ये एन इंटू पी और ये एम इंटू एन, इसमें नंबर ऑफ कॉलम है एन और इसमें नंबर बी में नंबर ऑफ रोज है एन, तो सिंपली आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इन बी, तो सिंपली ए बी एग्जिस्ट हो जाएगा। तो यहां सिंपली हम लोग लिखेंगे ए इंटू बी ए आई जे, इसका ऑर्डर एम बाई एन, इंटू बी जे के, इसका ऑर्डर एन इंटू पी। तो सिंपली आप ये देख सकते हैं इसका क्या आ जा सकता है, इसका सिंपली आ सकता है समेशन ऑफ एन, जो हमारा ये है इसमें ए में है सो हमारा कॉलम है और बी में रो है, और जे जो है सो वन से आप ले सकते हैं, और सिंपली ये ए आई जे और बी जे के का आ जाएगा। आपको इसमें समझ में नहीं आएगा, इसका एग्जांपल लेंगे तो आपका, और ये हो जाएगा एम बाई पी का, ये जो कॉलम और रो है सो अलग हो जाएगा, जो इसका वो इसमें रोज और इसमें जो कॉलम रहेगा उसका वो ऑर्डर आ जाएगा एम बाई पी का। अब इसमें तो आपको समझ में नहीं आएगा तो फॉर एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे लेट ए कोई मैट्रिक्स है जिसका दिया हुआ है, और ए मैट्रिक्स को दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है -1, 0, 4। आप ये सिंपली देख सकते हैं ये क्या है, थ्री रो है टू कॉलम है, थ्री रो टू कॉलम, और कोई बी मैट्रिक्स सेज दिया हुआ है इसका 2, 0, 3, 4, तो इसमें देख सकते हैं टू रो और टू कॉलम है, सिंपली आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं क्लियरली नंबर ऑफ कॉलम इन ए इक्वल टू टू इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। सिंपली आप देख सकते हैं नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, सिंपली आप देख सकते हैं, तो ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब इन दोनों का हम लोग प्रोडक्ट कर सकते हैं, तो देयर फोर ए बी एग्जिस्ट, तब ए बी एग्जिस्ट करेगा। तो सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो बताता हूँ, तो सिंपली जैसे हम लोग लिखेंगे ए इंटू बी, जो इसका वैल्यू है सो डाल देंगे
मल्टीप्लाई करेंगे माइनस टू जीरो थ्री फोर। इसमें ये नहीं कि इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है डायरेक्ट उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ये नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है, पर लेकिन ये थोड़ा इसीलिए कहा हूँ लेंदी है, तो आप ये कर सकते हैं सिंपली, प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। तो सिंपली हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए इंटू बी, अच्छा मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, टू थ्री माइनस वन माइनस वन जीरो फोर माइनस टू जीरो थ्री फोर। तो सिंपली इसमें एक ये ध्यान रखना है कि हाँ, जैसे इसका जो रो है, मतलब ए का जो रो है उसको बी के कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को जोड़ देना है। जैसे इसका रो हुआ टू और माइनस वन, और इसका कॉलम हुआ माइनस टू और जीरो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, टू से टू माइनस वन से जीरो, और उन दोनों को जोड़ करके लिखना है। तो जैसे टू और माइनस टू माइनस फोर, और माइनस वन और जीरो तो जीरो होगा, इन दोनों को जोड़ देना है, फिर टू और थ्री, फिर इसी रो को फिर दूसरे कॉलम से फिर करके यहाँ लिखना है, टू और थ्री मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आएगा, और माइनस फोर माइनस वन और इंटू फोर तो माइनस फोर होगा, पर लेकिन हमें इसे प्लस करना है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस फोर। सिंपली फिर सेकेंड रो को फिर वैसे ही करना है, थ्री माइनस टू तो माइनस सिक्स, जीरो प्लस जी इंटू जीरो जीरो, दोनों को जोड़ देना है, थ्री थ्री जा नाइन और फोर जीरो फोर, माइनस वन माइनस टू तो सिंपली टू हो जाएगा, सिंपली टू हो जाएगा, और फोर को जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर माइनस वन और इंटू थ्री तो माइनस थ्री प्लस सिक्सटीन। ये थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये रो है, इसको सिंपली आपको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, मतलब इसके रो के एक एलिमेंट को इसके एलिमेंट से, फिर उसके दूसरे एलिमेंट को इसके एलिमेंट से, और ये दोनों को सम करके लिख देना है, फिर इसी तरह इसके जो सेकेंड कॉलम है और इसके फर्स्ट कॉलम में ही मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको टू से थ्री से माइनस वन को फोर से, मतलब जितने जितने नंबर दिए हैं उतने उतने से सिंपली मल्टीप्लाई करते चल जाएंगे। फिर सेकेंड रो है तो फिर इसमें फर्स्ट कॉलम से करेंगे, फिर सेकेंड कॉलम से करेंगे लिखेंगे, अगर कोई थर्ड रहता है इधर कॉलम तो फिर उससे गुना करके इधर लिखा था, सिंपली आप ये कर सकते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा माइनस फोर टू माइनस सिक्स नाइन टू और थर्टीन आ जाएगा, प्लस सिक्सटीन माइनस थ्री तो थर्टीन आ जाएगा, सिंपली ये आ जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाँ ए भी एग्जिस्ट कर दिया है, अब बी ए एग्जिस्ट होता है कि नहीं सो देखना है, तो सिंपली हम यहाँ लिखेंगे हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इक्वल टू टू इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। आप ये सिंपली देख सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम इन बी इक्वल टू टू है, सो नंबर ऑफ रोज इन ए के इक्वल नहीं है। सिंपली आप यहाँ देख सकते हैं, ए का देखिए, ए का जो है सो कॉलम, ए का कॉलम है सो थ्री है, नहीं ए का कॉलम है सो टू है, और बी का कॉलम रोज है सो टू है, और सिंपली अब बी ए एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो बी ए का हमको कॉलम देखना है, बी का कॉलम देखना है और ए का रो देखना है, तो बी का कॉलम हमारा हो गया टू और ए का रो हो गया थ्री, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सिंपली। तो आप यहां सिंपली लिख सकते हैं, देयरफोर बी ए डजंट एग्जिस्ट, तो बी ए एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसी टाइप से आप ऐसे एक्सरसाइज बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।